सो हेलो हैकर्स, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टर्मक्स के ऊपर। एंड ये खास करके टर्मक्स के बिगिनर यूजर के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जो टर्मक्स के बिगिनर यूजर है उसको नहीं पता है कि टर्मक्स एग्जैक्टली क्या है, उसको यूज कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या कमांड यूजेस हैं। सो उसी के लिए मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, टर्मक्स बेसिक टू एडवांस, जिसमें कि आप जानेंगे कि टर्मक्स क्या है, टर्मक्स को यूज कैसे करते हैं एंड और भी बहुत कुछ। सो ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। तो चलिए हम आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये जानेंगे कि व्हाट इज टर्मक्स, टर्मक्स क्या है। सेकंड में ये जानेंगे कि हम टर्मक्स से क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड में ये जानेंगे कि टर्मक्स को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। फोर्थ ये है कि हम टर्मक्स को क्यों चुनें, हम टर्मक्स का यूज क्यों करें। एंड फिफ्थ एंड लास्ट है कि हम टर्मक्स को इंस्टॉल कैसे करें अपने डिवाइस में। तो चलिए हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। सो चलिए हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि टर्मक्स क्या है। टर्मक्स एक एंड्रॉयड टर्मिनल एमुलेटर ऐप है जो कि आपको लिनक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। एंड टर्मक्स का जो कमांड्स है वो लिनक्स से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपने लिनक्स यूज किया है तो आपके लिए टर्मक्स को यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आप बिगिनर हो, आप हैकिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सो आप टर्मक्स का यूज ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम टर्मक्स से क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो आप टर्मक्स का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, तो चलिए कुछ यूजेस देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट है कि आप इसे हैकिंग सीखने के लिए या फिर हैकिंग की शुरुआत करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको हैकिंग नहीं आती है और आप अगर हैकिंग सीखना चाहते हो तो टर्मक्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप इसे हैकिंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट है कि लिनक्स डिस्ट्रो को इंस्टॉल करके आप लिनक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें। एंड नेक्स्ट है कि आप सिस्टम हैकिंग कर सकते हो, आप इससे वेब हैकिंग कर सकते हो एंड भी बहुत कुछ। सो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए टर्मक्स को इंस्टॉल करने के लिए। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड होना चाहिए। सेकेंड है, आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कम से कम 7 होना चाहिए, अगर उससे कम है तो वर्क नहीं करेगा। तो बात करते हैं अगर इसके स्टोरेज की कि कितना स्टोरेज चाहिए कम से कम। आपको कम से कम 500 MB स्टोरेज चाहिए। एंड इस ऐप का जो डेटा है वो टाइम टू टाइम बढ़ते रहेगा, क्योंकि आप इसमें नए टूल्स इंस्टॉल करोगे, नए पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, आप इंस्टॉल करते रहोगे तो इसका स्टोरेज एक्सपेंड होते रहेगा। इसका रैम क्या चाहिए, मतलब रैम कितना होना चाहिए। सो आपको मिनिमम 1 GB चाहिए रैम इसको वर्क करने के लिए। सो नेक्स्ट है कि क्या हम टर्मक्स को एंड्रॉयड 11 में यूज़ कर सकते हैं। सो इसका आंसर है कि हाँ, आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड 11 में, इवन आप 12 बीटा में भी यूज़ कर सकते हो। क्या टर्मक्स को यूज़ करने के लिए हमारा फ़ोन रूटेड होना चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो भी आप टर्मक्स का यूज कर सकेंगे। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो टर्मक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम टर्मक्स का इस्तेमाल क्यों करें। सो इसका सिंपल सा आंसर है, टर्मक्स एक ओपन सोर्स ऐप है जिसको कि आप फ्री में यूज कर सकते हो। सेकंड है कि ये एंड्रॉयड में यूज हो सकता है, ये पोर्टेबल है। सो इसके लिए आपको PC या लैपटॉप नहीं चाहिए। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ऐप में सारे तरह के प्रोग्रामिंग को कर सकते हो। सो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम टर्मक्स को इंस्टॉल कैसे करें। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। वैसे तो आप टर्मक्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, क्योंकि प्ले स्टोर पे अपडेट आना बंद हो गया है टर्मक्स का। एंड टर्मक्स धीरे धीरे न्यू प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है जिसका नाम है ऐप एंड्रॉयड। तो पहले आपको ऐप एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको सर्च बार पे टाइप करना है ऐप एंड्रॉयड एंड सर्च कर देना है। एंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। सो फर्स्ट रिजल्ट है ऐप एंड्रॉयड का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐप एंड्रॉयड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप डाउनलोड ऐप एंड्रॉयड का बटन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन का पॉपअप दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है एंड ये डाउनलोड होने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐप एंड्रॉयड डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप कोई सा भी APK डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो उसी की तरह आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऐप एंड्रॉयड इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि अपडेटिंग रिपोजिटरीज, मतलब ऐप एंड्रॉयड का जो रिपोजिटरी है, मतलब जिसमें कि सारे ऐप का सोर्स है, वो रिपोजिटरी अपडेट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना है एंड ये लोड हो जाएगा। एंड इधर एक कॉर्नर में आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सर्च बार ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको टर्मक्स लिख के सर्च कर देना है। एंड जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे टर्मक्स, तो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे एक ऐप मिल जाएगा टर्मक्स का,
तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप टर्मक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको बगल में इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। सो आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो डाउनलोड हो रहा है। एंड जब यह ऐप का डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप ऐप को इंस्टॉल कर देगा। अगर आप पहली बार एंड्रॉइड से कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल होते टाइम आपको इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एंड सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो करेगा, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स। तो आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। आपको इस तरह का कुछ पॉपअप दिखाई देगा तो इसको अवॉइड कर देना है। एंड इसको भी ओके कर देना है। एंड यहाँ से आपको बैक आ जाना है। एंड इसको फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये ऐप इंस्टॉल होने लगेगा आपके एंड्रॉइड में। तो गाइस ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। एंड चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एंड मैं फिर से ऐप एंड्रॉइड ऐप को ओपन करता हूँ। एंड एक ऐप और आपको डाउनलोड करना होगा जो कि है टर्मक्स API। सो आपको यहाँ पे फिर से सर्च करना है टर्मक्स API। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा टर्मक्स API का। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। एंड आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। सो आफ्टर डाउनलोडिंग आपके सामने इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके एंड्रॉइड में। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे एंड्रॉइड में डाउनलोड हो चुका है। एज यू कैन सी हियर टर्मक्स यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप पहली बार टर्मक्स को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ आएगा इंस्टॉलिंग बूट स्ट्रैप पैकेजेस। सो जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपके टर्मक्स का। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।